शनिवार को बिहार के गया के विशाल तालाब में होटल गर्व के समीप सर्वोदय आईएएस का उद्घाटन भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रभात रंजन ने किया। इस मौके पर भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सुनील चौकीन, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी निरंजन, रक्षा मंत्रालय के सहायक निदेशक चंचल, महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत बूके देकर किया गया। मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रभात रंजन ने कहा कि शिक्षा हमारी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि शिक्षा सफलता की ओर पहला कदम है। मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने सर्वोदय आईएएस के उद्घाटन पर अपनी शुभकामनाएं दी तथा छात्रों को यूपीएससी परीक्षा पास करने की शानदार टिप्स दे दिया। आपको बता दें कि सर्वोदय आईएएस आर्थिक अभाव से जूझ रहे छात्रों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रहा है, जिसमें प्रभात रंजन पाठक तथा कई अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन व्यक्तित्व रूप से किया जाएगा। सर्वोदय आईएएस खुलने से गया शहर के छात्र छात्राओं को तैयारी के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कम खर्च में ही गया में रहकर वो यूपीएससी सहित कई कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। सर्वोदय आईएएस जो है यह एक इंस्टीट्यूट है, आप जिसमें कि ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव है ना, आप जो मान सकते हैं कि जो बिल्कुल ही किसान लोग हैं, आप बिहार की बात करो 60-70% लोग यहाँ पे जनता जो है वो किसान ही है, वो 3,000-4,000-5,000 महीने कमाती है, वैसे लोग उच्चतम स्तर की पढ़ाई को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। और जो बेहतर एग्ज़ाम की बात करते हैं हम लोग, जो आईएएस एग्ज़ाम की कहते हैं बात करते हैं, वो तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, बिल्कुल जी जी, जैसे मैं खुद ही जैसे दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में पढ़ाई के लिए था कि फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मैं 3 साल लगातार कोचिंग में पढ़ाया भी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेरे पिताजी, ताकि मैं दिल्ली जैसे कोचिंग में पढ़ा सकूँ। तो मेरी अगर कॉलेज की भी दिनचर्या देखेंगे तो 6 घंटे में 7 घंटे कॉलेज में रहता था, इसके बाद 10 घंटे में कोचिंग में पढ़ाता था, तो दिन के 16 घंटे मेरे केवल इसमें जाते थे, ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर पाऊँ जिससे मैं दिल्ली जैसे जगह में जा पाऊँ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे पास बस 1 साल के लिए ही पैसे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उच्चतम स्तर की पढ़ाई और शिक्षा, जैसे प्रशासनिक सेवा हो गई, वह केवल एक सोच बनकर रह जाती है। मेरा ये प्रयास ये है कि वैसे लोगों के लिए जो कि समर्थ नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से उस तरह से व्यवस्था दी जाए जो कि बड़े शहरों में मिलता है। इसके लिए ये है कि हमारे जैसे लोग जो कि सर्विसेज में हैं, हम लोग भी अपना जो है वो यहाँ पर टाइम देंगे, जैसे ही हमें टाइम मिला, जैसे सैटरडे संडे होता है हमारे पास टाइम रहता है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 घंटे यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी जो समस्याएँ हैं उनको सुलझाएँ और उनको अच्छे से मार्गदर्शन करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी जिस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उस मातृभूमि के प्रति जो है अपना कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए, और ये वही एक कर्तव्य है जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। गया के बच्चों को, खास करके जो यूपीएससी में मतलब अपनी परचम लहराना चाहते हैं, बिहार का और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। इसका सबसे बड़ा जो आपका रीज़न रहा है, जो कारण रहा है, वो है अंग्रेजी माध्यम की ज़्यादा उपयोगिता हो जाना। सर्वोदय आईएएस बेसिकली आपको एक इंग्लिश मीडियम में और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी एक उच्च स्तरीय क्वालिटी की पढ़ाई देनी चाह रहा है, जिसके लिए आपको कम से कम खर्च में जो है आप यहाँ पर पढ़ सकें। इसके लिए आपको दिल्ली, कोटा जैसे बड़े शहरों में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यही चाहेंगे कि गया के बच्चे, बिहार के बच्चे और ऐसे बच्चे जो कि सुदूर गांव से आते हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, किसी वजह से बहुत अच्छे मतलब स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं, या फिर परिवार की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका एक सपना है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनकर देश का, राज्य का, अपने गाँव का नाम रोशन करना है, ऐसे लोगों के लिए सर्वोदय आईएएस जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि समाज के जो तमाम पिछड़े लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने आप को पिछड़ा पाते हैं, पैसे की कमी से नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों को जो है हम चाहेंगे कि सर्वोदय आईएएस जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाए और वो उच्च पदों पर आसीन हो। आईएएस यहाँ हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सर्विसेज और राज्य स्तर की परीक्षा जैसे बिहार लोक सेवा आयोग इस सिविल सर्विसेज परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग करवाते हैं।
यहाँ पे जैसे कि सिविल सर्विसेज के विषय में आप लोगों को पता होगा कि ये एक सर्विसेज ऑफ एलीट माना जाता है, यात्री की जो बहुत सुखी संपन्न और अभिजात परिवार या कुलीन परिवार के लोग हैं या जिनकी एजुकेशन या विश्वविद्यालय काफ़ी उच्च विश्वविद्यालय अच्छे विश्वविद्यालय या उनकी जो है स्कूलिंग काफ़ी अच्छे तरह से हुई है, ऐसे लोगों के बारे में ऐसे विषय के बारे में एक अवधारणा है। हम लोग इस चीज़ को सर्विसेज ऑफ मासेस की तरफ ले जा रहे हैं कि ऐसे लोग जो लोग जिनकी पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाई या यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाई उनको हम लोग वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं जो कि एक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए एक सबसे एक आवश्यक एक रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इस तरह से इसी परिकल्पना के आधार पर सर्वोदय IAS में आप सभी लोगों का स्वागत है और कल 9:30 पे 2 अप्रैल को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो लोग जो कि चयनित हो चुके हैं संघ लोक सेवा आयोग में और विभिन्न पदों पर उच्च पदों पर अपने सेवा को दे रहे हैं, जैसे भारतीय राजस्व सेवा हो गया, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी लोग हैं, इनसे छात्रों का एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जिसमें छात्र उनसे विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।